दोस्तों, इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिमायदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता आप में रखेगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी और इस वक्त शुरू करते हैं। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों की अच्छा जानकारी मिलती रहे हमेशा। सवाल नंबर 1, लीची खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हमारे शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है किडनी खराब नहीं होता है लीची खाने से, इसीलिए दोस्तों लीची खाना चाहिए सीजन में। और लीची 10-12 से ज़्यादा एक बार में ना खाएं क्योंकि उसका तासीर गर्म होता है, पेट गड़बड़ होने की संभावना बना रहता है, इसीलिए ज़्यादा ना खाएं। सवाल नंबर 2, ज़्यादा जामुन खाने से कौन बीमारी पकड़ लेता है हमारे शरीर में और कौन बीमारी उत्पन्न होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है पेट दर्द करने लगता है ज़्यादा जामुन खाने से। अगर ज़्यादा जामुन अगर आप खा लिए हैं तो 1-2 पका हुआ आम लेकर के तुरंत खाएं, उससे जो है तुरंत ठीक हो जाती है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी, पूरा अच्छा अच्छा जानकारी मिलेगी। दोस्तों सवाल नंबर 3, स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है पूजा पाठ जरूर कर लेना चाहिए। किसी भी देवी दुर्गा को पूजा पाठ करने से घर में आमदनी आती है, बढ़ोतरी होती है, कोई प्रकार की बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए दुर्गा माता का पूजा पाठ जरूर करें, करने से बहुत ही अच्छा घर में सुंदर सफल होती है। सवाल नंबर 4, कौन सा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है आयोडीन नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आयोडीन नमक खाने से तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है, सर्दी जुकाम बुखार पहला नंबर। बहुत सभी लोग क्या करते हैं सर्दी जुकाम में ज़्यादा खा लेते हैं तो बाद में चल करके लकवा मार देता है। सवाल नंबर 5, बुखार क्यों लगता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। और बुखार क्यों लगता है इसके बारे में जानकारी पाएँ। दोस्तों इसका सही आंसर है सर्दी जुकाम बुखार इसलिए होता है मच्छर के काटने से होता है या मौसम बदलने से होता है, दो चीज़ें होती है। तो उस समय लाल चाय बना करके पीते रहें, सीनारेस्ट गोली या कलपोल खाएं, इससे ठीक हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।